हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइज रिसेंटली मैंने एक ये वाली फोटो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली एक ही तीन फोटोज थी। एंड बहुत सारे कमेंट्स आए कि यार इस टाइप की फोटो आपने कैसे क्लिक करी, ये वाला फोटो शूट आपने कैसे किया, एंड इस टाइप की मतलब थीम वाली फोटो हम कैसे क्लिक कर सकते हैं। तो यही जानने वाले आज की इस वाली वीडियो में, कैसे आप इस टाइप की वाइड थीम वाली फोटोज क्लिक कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर और बिल्कुल जीरो बजट पे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को यार लाइक करो, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करो, एंड नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाली फोटो क्लिक करने से पहले आपको बताता हूँ मेरे माइंड में उस टाइम पे आइडिया क्या आया। एक्चुअली मेरे को फोटो पोस्ट करनी थी, मेरे पास कुछ न्यू फोटोज थी नहीं आउटडोर वाली, तो मेरे को लगा इंडोर कुछ क्लिक करते हैं व्हाइट से बैकग्राउंड पे एंड व्हाइट थीम वाली कुछ फोटोज। एंड इंस्पिरेशन बेसिकली ली गई है कुछ म्यूजिक पोस्टर्स है, ऐसे कुछ बहुत सारे म्यूजिक पोस्टर लोग बनाते हैं ना कि व्हाइट से थीम होती है और हल्की साइड से ब्लू कलर की लाइट होती है। मेरे को उस टाइप का कुछ ट्राई करना था और मेरे को लगा क्यों ना इसको आज ही ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने ट्राई किया, फोटोज बहुत ही कमाल की आई और मुझे उस टाइम पे क्लिक करते टाइम ये नहीं था कि इतनी अच्छी फोटो हमारी आ जाएगी, लेकिन एडिट करने बाद फोटो ज्यादा अच्छी बन गई और आप लोगों की डिमांड आ गई, तो इसलिए वीडियो यहाँ पे आ रही है। तो चलिए स्टेप बाय समझते हैं कैसे आप इस टाइप की फोटो अपने घर के अंदर ही बिल्कुल जीरो बजट में क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको एक व्हाइट कलर की वॉल या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, बिल्कुल सिंपल सा प्लेन सा व्हाइट बैकग्राउंड। अगर आपके घर में व्हाइट कलर की वॉल हो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन जैसे मेरे घर में व्हाइट कलर की वॉल नहीं थी, ग्रे कलर की सारी दीवारें थी, तो मैंने क्या किया एक बैकड्रॉप स्टैंड किट आती है ये वाली, इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का पर्दा डाल दिया, मतलब बेसिकली बैकड्रॉप डाल दिया। अब अगर आपके पास इस टाइप की स्टैंड किट नहीं है तो आप किसी भी जगह पर एक ऐसी रस्सी टांगे या फिर एक डंडा टांगे उसके ऊपर कोई व्हाइट कपड़ा टांग दे तो आपकी फोटो में ये व्हाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। और हाँ, व्हाइट कपड़ा मैंने जो लिया था ये है बहुत ही बेसिक सा, अमेज़न से मैंने लिया था, अराउंड 400 या 500 का था ये, एंड थोड़ा सा गंदा हो चुका है लेकिन कोई नहीं, अपनी फोटो में काम आ जाएगा, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं। एंड हाँ यही था, इसके बाद पहले इसको सेटअप करता हूँ फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इस पर टांग देता हूँ। तो भाई हमने कपड़ा अपना सेट कर दिया, मतलब बैकग्राउंड व्हाइट कलर का सेट हो चुका है और मैंने इसको बिल्कुल आधे तक रखा है क्योंकि हमें फोटो ऊपर से क्लिक करनी है सिर्फ। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे कपड़े, क्योंकि व्हाइट कलर की थीम है हमारी पूरी फोटो की, तो हमें अपने कपड़े भी कुछ व्हाइट कलर के पहनने होंगे। और मैंने जो डिसाइड किया था, मैं एक व्हाइट कलर की बहुत ही ओवर साइज सी एक शर्ट पहन लूंगा और फोटो उसमें काफी अच्छी आ सकती है, आई थिंक बहुत ही मिनिमल सा लगेगा। तो इस वाले शूट के लिए मैं पहनने वाला हूँ अपनी ये बेसिक से बिल्कुल व्हाइट कलर की ओवर साइज ऐसे स्वेट शर्ट और ये काफी क्लासिक लगेगी क्योंकि इसमें बहुत ही मस्त ऐसे लाइन लाइन है। बाय द वे आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हो यार कि आप कपड़े वगैरह कहाँ से लेते हो और कपड़ों का लिंक बताओ कितने की है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैं अपने आपको कुछ टॉप 5 या 10 फेवरेट जो मेरे कपड़े हैं उनके बारे में बताऊँ कि मैंने उनको कहाँ से लिया, कितने का लिया एंड आप लोग कैसे बाय कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। थोड़ी बहुत फैशन की वीडियो बना लेंगे, फिलहाल मैं कपड़े चेंज करता हूँ एंड आगे बढ़ते हैं। तो कपड़े हमने फाइनली चेंज कर लिए एंड अब हमारी पूरी लुक एक बन चुकी है। भाई ओ बस ऊपर का दिखाना है। तो कपड़े हो चुके हैं फाइनली चेंज, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लाइटिंग्स, क्योंकि इस फोटो में लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर आप फोटो दिन में क्लिक कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल लाइट का यूज़ भी कर सकते हैं एक साइड से, बस आपको एक लाइट चाहिए साइड से ब्लू कलर की। तो इस तरफ से मैं एक लाइट रखने वाला हूँ ब्लू कलर की एंड इस तरफ से मैं एक नॉर्मल जो की लाइट होती है वो रखने वाला हूँ। तो जो मैं रिम लाइट के तौर पर यूज़ करने वाला हूँ वो है बेसिकली ये एक LED पैनल, इसके अंदर सारे कलर से मतलब RGB है ये। तो मैं अपनी इस वाली लाइट को यहाँ पे रखता हूँ बिल्कुल एक कॉर्नर पे, मतलब जस्ट आपको अपोजिट साइड एंड एक राइट या लेफ्ट साइड रख देना इसको, एंड ये हमारा एक रिम लाइट बन जाएगा। इसकी मैं थोड़ी सी और हाइट बढ़ाता हूँ ताकि बिल्कुल ऊपर से लाइट आए। अभी हमारी रिम लाइट हो चुकी है रेडी एंड यहाँ से बहुत ही अच्छा इफेक्ट दिख रहा है ये वाला, लेकिन इसके बाद हमें एक सेकंड लाइट यूज़ करनी है इस तरफ से, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट है जस्ट इसके अपोजिट जो है मतलब डायगोनल में यूज़ करना है। तो इधर से ये लाइट, इधर से ये लाइट और इधर से हल्की सी डार्क शेडोज बनेगी जो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं जो लाइट यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रीमियम लाइट है, लेकिन आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। ये है अपर्चर 120D, आप यहाँ पे कोई एक जैसे ये रिंग लाइट हमारी इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड क्योंकि इधर से आपको कोई कलर नीचे कोई भी व्हाइट कलर की लाइट चलेगी, एंड अगर पास नेचुरल लाइट का यहाँ से कोई सोर्स है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी ब्लू कलर की रिंग लाइट या फिर ये LED लाइट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो ना, बेसिकली किसी भी चीज के ऊपर एक लाइट के ऊपर ना कोई ब्लू कलर का ट्रांसपेरेंट पेपर लगा दो तो वो लाइट बिल्कुल ब्लू हो जाएगी, या फिर आप अपने फोन के ऊपर ऐसे ब्लू कलर का जेल लगा सकते हैं तो लाइट आपकी ब्लू हो जाएगी। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं लाइट में कैसे कलर कर सकते हैं, वो आप यूट्यूब पर देख लेना। तो फिलहाल इस रूम में अंधेरा ना हो इसलिए हमने बाकी सारी लाइट भी जला रखी है, लेकिन हाँ आपको दिखाता हूँ नॉर्मल हमने जब डे टाइम पे इसको शूट किया था तो कैसे हमारे रूम की लाइटिंग कंडीशन थी। मैं सारी लाइट ऑन कर देता हूँ एक बार और ये लाइट बंद कर देते हैं यहाँ से। तो अभी जो आप ये सेटअप देख रहे हैं जस्ट यहाँ से एक ये लाइट है और एक ये लाइट है और बाकी रूम बिल्कुल नॉर्मल लाइटिंग जैसे होती है वैसी है। अब इस सेटअप में हमारी फोटो बहुत ही कमाल की आ जाएगी, आपको दिखाते हैं कुछ फोटोज क्लिक करके। अरे हाँ, एक चीज आपको बताना भूल गया कि हमने एक हैट भी ऐड की थी और ये इसलिए ताकि थोड़ी सी ऐसे म्यूजिशियन वाली फील आ पाए, ऐसे जैसे गिटारिस्ट होते हैं ना, तो ऐसे हैट ऐड करने के बाद स्टार्ट करते हैं अपना फोटो शूट। फोटो शूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोजिंग, एंड पोजिंग के लिए आप लोगों ने बहुत सोचा होगा यार ये पोज कैसे किया, मैंने जैसे ये किया था बहुत ही रैंडम सा बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैंने क्या किया, अपना फेवरेट गाना लगा दिया स्पीकर पे, जो भी गाना मेरे को पसंद है, तो मैंने बेसिकली ब्राउन मूड लगाया था। आपको जो भी गाना पसंद हो वो गाना लगाओ, उसको ऐसे जस्ट आपको वाइब करना है, जो भी आप गाना सुन रहे हो जो भी आप फील कर रहे हो उस टाइप से। तो हमने बस ऐसे ही किया था, बहुत सारे मैसेज आता गया।
और ऐसे ऐसे मतलब रैंडमली बहुत सारी फोटोज क्लिक करी और हमारी फोटो बहुत ही बॉम्ब आ गई थी। मतलब 4-5 फोटो तो मेरे को इन कैमरा बहुत मस्त लगी, मैंने उनको वहीं पर एडिट कर दिया एंड फाइनली मैंने उन फोटो को एडिट किया, क्या ही आ गया एडिट करने के बाद। तो इस तरीके से आप रैंडम पोज करिए, फोन में गाना लगाइए जो भी आपको पसंद है और उसके ऊपर वाइब करिए क्योंकि म्यूजिक वाली वाइब है एंड सिंपली आपकी फोटो बिना किसी पोज के बहुत ही मस्त आ जाएगी। हाँ, कैमरा आपको कॉन्ट्रास्ट मोड पर रखना है ताकि आपकी फोटो हाई स्पीड में आ सके और शटर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखना ताकि फोटो आपकी ब्लर ना हो। तो ये तो बात हो चुकी है फोटो को शूट करने की एंड इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल था एडिटिंग का क्योंकि इसमें जो एडिटिंग हमने किया ना, हल्की सी येलो टोन डाली हाईलाइट्स में, वो बहुत ही क्लासिक लग रही है एंड ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारा है इसका बहुत मस्त लग रही है। तो आपको दिखाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से कैसे मैंने इन फोटोज को एडिट किया था एंड एडिट करके फोटो कैसे बहुत ही परफेक्ट लग रही थी। तो फोटो देखिए मेरी लाइट रूम के अंदर आ चुकी है एंड सिंपली मेरे को करना क्या, पहले मैं अपनी फोटो में लाइट्स को पहले एडजस्ट कर लूंगा। तो मेरे को फोटो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्ट्रास्टी लग रही है तो मैं कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर दूंगा एंड शेडो थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, मतलब ज्यादा भी नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन हाँ इतना ताकि मेरे हेयर्स भी खराब ना हो। थोड़े से वाइट्स को भी अप कर देता हूँ एंड हाई लाइट को भी थोड़ा सा अप, तो आई थिंक फोटो सही लग रही है। इसके बाद चलते हैं आगे एंड यहाँ से जो हमारा टेम्परेचर है इसको देखते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड इसके बाद करते हैं वाइब्रेंस को अप। तो थोड़े से फोटो में कलर्स वापस आ चुके हैं। अब आते हैं मेनली अपने कलर वाले टाइप के अंदर एंड यहाँ पे मेरी फोटो में ज्यादा कलर्स वैसे है नहीं लेकिन जो ब्लू कलर है इसका हम थोड़ा सा ह्यू चेंज करेंगे। ओके, एंड सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद जो येलो कलर है इसका भी हम थोड़ा सा ह्यू चेंज करेंगे एंड आई थिंक दैट्स इट। स्किन का आप थोड़ा सा लुमिनेंस बढ़ा सकते हैं, बाकी आपकी फोटो में और कोई कलर्स हो तो आप उसको मतलब जीरो कर सकते हैं। वैसे फोटो आपकी जब वाइट थीम पे शूट होगी तो आपको ज्यादा कलर्स फोटो में आएंगे नहीं। तो डन करते हैं एंड इसके बाद आते हैं ऊपर मिक्सर वाले टाइप के अंदर। तो यहाँ पे हम हाईलाइट में पहले येलो टोन डाल देते हैं पूरी, तो हाईलाइट पे चलते हैं, सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड ये रहा अपना फेवरेट येलो कलर, तो इसको हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाते हैं एंड देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है। अब आते हैं शेडोज़ पे एंड शेडोज़ के लिए हल्की सी ना हम ये ब्लू टोन रखेंगे, ये वाली आई थिंक, तो बहुत ही हल्की सी एंड डन। अब आते हैं अपनी मेन चीज़ कर्व टूल पे। तो कर्व के अंदर हम क्या करेंगे, फोटो में थोड़ा सा फेड ऐड करेंगे, उसके लिए आएंगे ये व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर एंड पहले पॉइंट्स बना लेते हैं तीनों। तो ये रही हमारी शेडोज, मिड टोन्स एंड ये हमारे हाइलाइट्स। अब जस्ट इसको उठाएंगे हल्का सा एंड सी बहुत ही मस्त हमारी शेडोज बन रही है। इसके बाद हम आएंगे एक बार ब्लू टोन में एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, हाईलाइट में थोड़ा और येलो डाल देंगे, तो इसको नीचे करेंगे यहाँ से एंड सी कितनी मस्त लग रही है फोटो। अब थोड़ा सा इसको भी अप करेंगे यहाँ से बिल्कुल हल्का सा ताकि हमारी शेडोज में ब्लू टोन थोड़ी सी ज्यादा हो जाए एंड डन। इसके बाद आते हैं आगे डिटेल्स के अंदर एंड यहाँ से आप क्लैरिटी थोड़ा कम कर सकते हो क्योंकि हमारी स्किन है फोटो में तो वो खराब ना हो इसलिए एंड वीनियर तो आपको इसमें नहीं छेड़ना है। बाकी हाँ, इसमें सिलेक्टेड टूल का भी कोई खास काम था नहीं, तो ये सब करने के बाद आप अपनी फोटो में शार्पनेस बढ़ा सकते हैं एंड इसको मास्क भी कर सकते हैं डबल फिंगर से, तो इसको अराउंड इतना रखेंगे एंड सी हमारी फोटो कितनी मस्त एडिट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल थी वाली एडिटिंग, देखिए बिफोर आफ्टर बहुत ही सटल और बहुत ही ड्रीमी सी लग रही है फोटो एंड पूरी वो फैशन वाली वाइब्स आ रही है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी बाकी सारी फोटोज भी एडिट की थी, तो मैं इसकी सेटिंग आपको कॉपी करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये हमारी वो दूसरी फोटो, इस पे भी पेस्ट करते हैं। अरे खुल जा यार, एंड देखिए फोटो मस्त हमारी सेम उसी टोन में एडिट हो चुकी है। इस पे भी देखते हैं एक बार और बहुत ही क्लासिक हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो ये था इसका एडिटिंग का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस, आई होप आपको बहुत इजीली अब समझ आ चुका होगा। वेल ये थे गाइस इस वाली वीडियो में, आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया एंड अच्छा सीखने को मिला हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जैसे हमने इस वाली वीडियो में बहुत ही रैंडम सा पोज किया, अगर आप पोजिंग के और ज्यादा सीक्रेट ट्रिक्स देखना चाहते हो तो ये है वीडियो, इसको देखो। और यहाँ पे बहुत ही कमाल की मैंने एक ट्रिक बताई आपको पोजिंग से रिलेटेड, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट।